दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को विश्व का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋषभ पंत ने आखिरी टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 139 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद भारतीय टीम 200 रनों के पार पहुंच गई। हालांकि उनकी जबरदस्त पारी के बाद भी टीम इंडिया मैच हार गई। इसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखते हुए प्रैक्टिस सेशन में अपने बल्ले से आग उगलते हुए 6 गेंदों में 6 छक्के लगा दिए, जिसके बाद वहां पर खड़े सभी खिलाड़ी और कोच हैरान रह गए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ऋषभ पंत की तूफानी पारी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर टीम इंडिया के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि इसके बाद भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त अभ्यास में जुटे हुए हैं और वहीं हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जमकर पसीना बहाते हुए नजर आए हैं। और वहीं भारतीय खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से मिली टेस्ट सीरीज के हार का बदला ओडीआई सीरीज को जीत कर लेना चाहेंगे, जिसके लिए विश्व के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक बार फिर से अपने बल्ले से आग उगलते हुए प्रैक्टिस करते सारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 13 गेंदों में ही 55 रनों की आतिशी पारी खेली है, जिसको देखकर भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ और पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ साथ वहां खड़े जितने भी खिलाड़ी थे सभी हैरान रह गए और सब बस ऋषभ पंत की पारी को देखते ही रह गए। और आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने गेंदबाजी कर रहे भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 6 छक्के लगातार लगाकर इतिहास रच दिया। और क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस सेशन में अभी से पहले किसी भी बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 छक्के नहीं लगाए हैं, और इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऋषभ पंत ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह भी हैरान होकर ऋषभ पंत को शाबाशी देने चले गए। वहीं उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे से छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक बेहतरीन छक्का जड़ा। वहीं तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह खड़े होकर ऋषभ पंत को देखने लगे और हंसने लगे, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं था कि ऋषभ पंत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इसके बाद ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर बुमराह के ऊपर से सीधा छक्का लगाया, जिसको जसप्रीत बुमराह देखते ही रह गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से खतरनाक यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन उसको भी ऋषभ पंत ने विकेट की अंदर से मिड विकेट पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पूरी कोशिश करते हुए छठवीं गेंद भी यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर फुल टॉस बनाते हुए शानदार छक्का लगा दिया, जिसके बाद वहां पर खड़े सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर लगाए गए ऋषभ पंत के शानदार छक्कों के बाद बुमराह ने उन्हें गले लगाते हुए शाबाशी दी है। और वहीं ऋषभ पंत की खतरनाक फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आसानी से जीत हासिल कर लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 19 जनवरी के दिन शुरू हो रहे पहले मुकाबले में ऋषभ पंत शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।